मैथ मे नॉट टीच यू हाउ टू एड लव और हेट, बट इट गिव यू एवरी रीजन टू होप दैट एवरी प्रॉब्लम हैज अ सोल्यूशन। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक सुना आपने। मैथ आपकी जिंदगी में ना ही मोहब्बत ला सकती है और ना ही आपकी जिंदगी से नफरत को खत्म कर सकती है, बट लेकिन एक बात जरूर मैथ हमें सिखाती है कि जिंदगी में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सलूशन जो है वो मौजूद है। आपको सिर्फ ढूंढने की कोशिश करनी है कि जिंदगी में जितनी भी प्रॉब्लम है, मैथ के जितने भी प्रॉब्लम हम देखते हैं उनका कोई ना कोई सलूशन मौजूद है। इसी तरह लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम आती है उनका सलूशन मौजूद है। मैं हूं आपका टीचर मसूद मुबशर और आप मेरे साथ सीख रहे हैं क्लास 8 का अलजबरा और हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 6.5। तो क्या आप रेडी हैं आज के लिए? आवाज नहीं आ रही? जी बिल्कुल, अब आपकी आवाज आ चुकी है। चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम एक्सरसाइज 6.5 कर रहे हैं, ठीक है। उसके पहले 10 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं और आज हम 11 क्वेश्चन से शुरू करेंगे। और अचानक आप देखेंगे कि व्हाइट बोर्ड काफी भरा हुआ नजर आ रहा है और काफी लंबे क्वेश्चन हैं, और आपने अचानक ये महसूस करना कि सर आज तो बड़े लंबे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो जरूर जो है पहले 6.4, 6.3, 6.2 और 6.1 और 6.5 के जो पहले 10 क्वेश्चन हैं उनको जरूर समझे, उनकी वीडियो जरूर देखें। अगर आपने नहीं देखी तब उसके अगर वो नहीं देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे, ठीक है। इन क्वेश्चन को समझने का कोई फायदा नहीं है अगर आपने लास्ट क्वेश्चन इससे पहले उनकी प्रैक्टिस नहीं की। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इन क्वेश्चन को समझने से पहले उन क्वेश्चन को जरूर जाके समझे, अदरवाइज ये आपको क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे। इस वीडियो को देखने का बिल्कुल कोई फायदा नहीं है। तो आज जो हम टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, जो इससे पहले वीडियो में भी डिस्कस की थी, टाइप 4 है जिसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इनटू ए प्लस बी, ठीक है। ए स्क्वायर ये दरमियान में माइनस हो और ए स्क्वायर हो माइनस बी स्क्वायर हो, ठीक है। तुम एक दफा माइनस में एक दफा प्लस में कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने एक पिछली वीडियो में काफी डिटेल डिस्कशन की थी। अभी जो है क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या कह रहा है? x माइनस 9 ओवर 5 होल स्क्वायर माइनस 36 ओवर 25 y स्क्वायर। ऊपर वही स्टेटमेंट नजर आ रही है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। फैक्टराइज ही करना है, कोई फार्मूला को कुछ नहीं बताया हुआ आपको, जस्ट ये बताया आपने फैक्टराइज करना है। तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आप सारी बातें छोड़ के इसको समझ लें ए और इसको समझ लें आप बी। ये आपका ए स्केयर माइनस बी स्केयर, इसके अंदर जो कुछ भी है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। माइनस बी स्केयर, अब आपने ये करना है, इसको ए स्केयर तो लिखा हुआ है, ये 36 ओवर 25 है, 36 की जगह 6 लिखे, 6 और 36, 25 की जगह 5 लिख लें क्योंकि 5 5 25 होता है। 6 ओवर 5 मल्टीप्लाई वाई होल स्केयर करते हैं, ठीक है। इसको स्केयर की फॉर्म में ले आए, ये ऑलरेडी स्केयर की फॉर्म में, इसको भी आप स्केयर की फॉर्म में ले आए, यह आपको हो जाएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ठीक है। ए स्केयर माइनस बी स्केयर आप उसकी फॉर्म में आ गया, पहले नहीं था क्योंकि पहले सिर्फ वाई के ऊपर स्केयर लगा हुआ है, 36 और 25 के ऊपर स्केयर नहीं है, इनको भी आपने स्केयर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे इसलिए ये नेक्स्ट स्टेप किया है, ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर अब हुआ है। यहां से कुछ बच्चे गलती करते हैं, यहां से इसको ए स्केयर माइनस बी स्केयर करके इसको बी ही समझ लेते हैं और इसी को सॉल्व करते हैं। आपको आपने बी है ये, लेकिन इसको बी की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बी स्केयर करना है। तो अब एक दफा माइनस में लिख लें, ये एक दफा माइनस में लिखा हुआ है और एक दफा प्लस में लिख लें, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये माइनस और उस माइनस को आपने नहीं छेड़ना, ये वाला जो एक दफा माइनस में है एक दफा प्लस में है। ये आपका यहां तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब ये वाई है, ये एक्स है और ये कांस्टेंट है, इसकी यानी इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं मौजूद। अगर ये आपस में प्लस माइनस होते हैं तो कर लें, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। अगर ये प्लस माइनस नहीं हो रहे तो आपने इनको यहीं पे छोड़ देना है, एक दफा माइनस में लिख के एक दफा प्लस में लिख के। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, 25 इंटू एक्स प्लस 5 और 4 होल स्केयर माइनस 16 इंटू एक्स प्लस 7 और 4 होल स्केयर, ठीक है जी। ये लिखा हुआ ये क्वेश्चन, अब आपने सबसे पहले ये देखना 25 5 का स्केयर है, 16 जो है ये 4 का स्केयर है। तो आपने यहां पे लिखना है 25 की जगह 5 और यहां पे लिखना है 16 की जगह 4, ठीक है। 4 लिख के ब्रैकेट एक और लगानी है, पहले ऑलरेडी ब्रैकेट लगी हुई है, इसके बाद एक और ब्रैकेट लिखनी है और 5 को भी स्केयर के अंदर ले आना है, 4 को भी स्केयर के अंदर ले आना है, ठीक है। अब ये 25 5
बन गया और स्केल इसके ऊपर आ गया, ये 16:4 आ गया और स्केल आप देख सकते हैं दो पूरे के ऊपर लगे, 5 के ऊपर भी आ गया, इसके ऊपर भी आ गया, पहले इसके ऊपर स्केयर था आप 5 लिख के इस पूरे के ऊपर आ गया, पहले इधर भी इसके ऊपर स्केयर था हमने 4 लिखा, 4 करके इसके ऊपर भी स्केयर लगा दिया, ये आपका ए स्केयर माइनस बी स्केयर हो गया। आपने नेक्स्ट टाइम में जस्ट ये करना है 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 5x, 5 को इससे करेंगे तो 5 5 25 25 और 4 हो जाएगा, 4 को इससे करेंगे तो 4x हो जाएगा, 4 को इससे करेंगे 7 4 28 ओवर 4 ये अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 5x प्लस 25 ओवर 4 होल स्क्वायर माइनस 4x प्लस 28 ओवर 4 होल स्क्वायर, ये आपने अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद आप क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल हो गया, ये आपका a स्क्वायर है, ये आपका b स्क्वायर है, ठीक है। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है इसको आप भूल जाएं, ये जस्ट समझेंगे ये a है, ये आपका b है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहां तक आपको समझ आ गई होगी, आप जस्ट अपने फॉर्मूला अप्लाई कर लें, एक दफा माइनस में लिखें, ये माइनस में लिखा हुआ है, एक दफा इसको प्लस में लिख दें, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए की जगह ये लिख दें बी की जगह ये लिख दें, ए की जगह ये लिख दें बी की जगह ये लिख दें, ए माइनस बी ए प्लस बी। अब इससे पहले तो हम यहां तक क्वेश्चन खत्म हो जाता था, एक दो प्लस में लिख लिया, एक दो माइनस में लिख लिया, लेकिन मैंने कहा था फैक्टराइजेशन में तब तक आपने फैक्टराइज करते रहना जब तक के क्वेश्चन जो है वो पूरी तरह सॉल्व नहीं हो जाता। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आप माइनस है तो ब्रैकेट हटा दें, जितनी भी ब्रैकेट्स लगी हुई है उन सब ब्रैकेट्स को आप हटा दें, ब्रैकेट को जब हटा देंगे आप, ये बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, बाहर माइनस है तो अंदर अगर प्लस है तो वो भी माइनस हो जाएगा, यहां पे प्लस है तो इस वजह से साइन चेंज नहीं होगा तो प्लस ही रहेगा। तो आपने ब्रैकेट हटा दी, अब आपने सिंपलीफाई करना है, इन दोनों को इकट्ठा लिख लें 5x माइनस 4x और इन दो को इकट्ठा लिख लें, यहाँ पे इन दो को इकट्ठा लिख लें 5 प्लस 4x और इन दो को इकट्ठा लिख लें, ये क्योंकि x वाली जो टर्म है वो x वाली के साथ अटैच हो जाएगी और जो y जो x के x y के बगैर वेरिएबल के बगैर उनको इकट्ठा लिख लें, जब इनको इकट्ठा लिख लेंगे आप ये भी लिखिए 5x माइनस 4x 1x हो जाएगा, ये 25 और 4 माइनस 28 और 4 4 इनका एलसीएम आएगा, ऊपर 25 माइनस 28 आ जाएगा, यहाँ पे 5x प्लस 4x 9x हो जाएगा प्लस 25 प्लस 28 डिवाइडेड बाय 4 यानी 4 दोनों का एलसीएम है, 4 नीचे आ जाएगा 25 प्लस 28 हो जाएगा। अब जस्ट x नीचे ही आएगा, 25 में से 28 माइनस करेंगे तो माइनस 3 आएगा, प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा लगता है, बढ़े के साथ माइनस है तो माइनस 3 लगेगा, तो माइनस 3 यहाँ पे आ रहा है, प्लस माइनस माइनस ये एक स्टेप और होता था क्योंकि व्हाइट बोर्ड पर जगह भी नहीं और क्वेश्चन का एक और स्टेप बढ़ जाना था, इसलिए मैंने यहाँ पे जो माइनस 3 आ रहा है इस माइनस 3 को प्लस से मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एक्स माइनस 3 और 4 हो जाएगा, यहाँ पे 9x 25 प्लस 28 53 हो जाता है तो 53 ओवर 4 आ जाएगा, अगर यहाँ पे इनकी कटिंग हो रही हो तो इनकी कटिंग भी कर दें, ठीक है। ये इसका सिंपलीफाई करके एक दफा माइनस में एक दफा प्लस में आ रहा था, ये हो सकता है दोनों प्लस में आ जाए दोनों माइनस में आ जाए, इस यहाँ पे जरूरी नहीं कि एक माइनस में हो एक प्लस में हो, आपने जस्ट सिंपलीफाई करना है, सिंपलीफाई करने के बाद जो भी जवाब आएगा आपने उसको लिख देना। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में जरूर पूछे जाते हैं। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, इस क्वेश्चन को और समझे, इस तरह के क्वेश्चन आगे भी आप मजीद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में सेम इट इज इस तरह का क्वेश्चन है, जस्ट उन्होंने फ्रैक्शन जो है वो हटा दी है, तो 16 इंटू ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 49 ए माइनस बी होल स्क्वायर, 16 को 4 लिख लें 49 को 7 में लिख लें, ठीक है 4 लिखेंगे तो मैंने पूरे के ऊपर स्केयर लगा ब्रैकेट लगा के स्केयर लगा दिया है, ब्रैकेट्स लगी हैं और स्केयर लगा हुआ माइनस, यहाँ पे 7 को भी अंदर ले आए हैं, ठीक है और स्केयर लगा दिया, अब ये स्केयर इसके ऊपर है और ये इसके ऊपर है, यानी इसको इस फॉर्म में लिख लिया, इसको भी इस टर्म को भी इस फॉर्म में लिख लिया, 49 को 7 कर लिया और होल स्केयर कर दिया, यहाँ पे 16 है 16 को 4 कर लिया, इसको स्केयर के अंदर ले आए हैं, फिर 4 को और 7 को अंदर जो है वो मल्टीप्लाई कर दें, 4a प्लस 4b माइनस 7a माइनस 7b, बाहर माइनस से अंदर साइन चेंज नहीं हो रहा, नजर नहीं आ रहा क्योंकि हमने ये वाली ब्रैकेट अभी ओपन ही नहीं की, जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे हमने अंदर वाली ब्रैकेट ओपन की है उसके बाहर माइनस नहीं है, तो 4a प्लस 4b माइनस 7a माइनस 7b, ठीक है जी,
ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ये आपका ए है ये आपका बी है, तो इसको एक दफा माइनस में लिख लिया, ये माइनस में लिखा हुआ है, ये आपने यहां पे प्लस में लिखा हुआ है, ए माइनस बी ए प्लस बी। अब इनकी ब्रैकेट हटा दें, ब्रैकेट हटाएंगे 4a प्लस 4b माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, 7a प्लस 7b हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, साइन चेंज नहीं होगा, माइनस जो साइन है वही आ जाएगा, ब्रैकेट हटा दिया आपने। अब 4a माइनस 7a माइनस 3 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 7 में से 4 माइनस करेंगे तो माइनस 3 आएगा, साइन बढ़ेगा लगेगा, ठीक है, बड़े के साथ माइनस है, 7 प्लस 4 11 प्लस 11 b हो जाएगा आपका। इसके बाद 4a प्लस 7a दोनों को ऐड करेंगे तो 11a हो जाएगा, 7 माइनस 4 प्लस माइनस माइनस 7 में से 4 माइनस करेंगे तो माइनस 3 भी आएगा, साइन बढ़ेगा लगेगा। अब आपका ये आंसर आ चुका है माइनस 3a प्लस 11b इंटू 11a माइनस 3b। अब ये मजीद आगे सॉल्व नहीं होता, यहां तक ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है, तो ये क्वेश्चन नंबर 13 भी आपका सॉल्व हो गया। इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, और इस सिलसिले में इस पे रिलेटेड कोई भी क्यूरीज हो तो आप पूछ सकते हैं, मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छे तरीके से तमाम क्वेश्चन डिफाइन करके समझाऊं, फॉर्मूले की बेस को जरूर समझे, अगर फार्मूला आपको आ जाएगा तो ये क्वेश्चन आपके लिए किसी किस्म का कोई भी मसला पैदा नहीं कर सकते। तो इसके बाद हम लास्ट पार्ट करेंगे, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 14, इस जो पोर्शन है, इस पोर्शन में जो चार क्वेश्चन थे उसका जो लास्ट पार्ट है वो क्वेश्चन 14 है, उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 14 बिल्कुल क्वेश्चन 12 की तरह सेम है, लेकिन क्योंकि ये मुश्किल क्वेश्चन है इसलिए ये क्वेश्चन भी मैं आपको करवा रहा हूँ। 36 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर 4 होल स्क्वायर माइनस 64 इंटू एक्स माइनस 5 ओवर 4 होल स्क्वायर, यहाँ पे ये आपका ए होगा, ये आपका हम यहाँ इसको बी बनाएंगे। अब 36 और 64 जानते हैं, 36 6 का स्क्वायर है और 64 जो है वो 8 का स्क्वायर है, यहाँ पे 6 लिखेंगे यहाँ पे 8 लिखेंगे, साथ एक और ब्रैकेट लगाएंगे और होल स्क्वायर कर देंगे, यानी अब ये स्क्वायर जो है 6 के ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है, अब ये स्क्वायर जो है यहाँ पे 8 के ऊपर भी है और x माइनस 5 और 4 के ऊपर भी है, स्क्वायर के फॉर्म में ले आए हैं। नेक्स्ट स्टेप में जैसे कि इधर किया था हमने, ये 6 को और 8 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 6 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 6x माइनस 6 वंस आर 6 6 ओवर 4 होल स्क्वायर माइनस 8x 8 8 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 8x माइनस 8 5 आर 40 40 ओवर 4 और ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। ये अब आपका कंप्लीट ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर बन चुका है, पूरा एग्जैक्ट फॉर्मूले की शेप में आ गया। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है इससे आपने परेशान नहीं होना, ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपने एक दफा माइनस में लिख लेना है, ये माइनस में लिखा हुआ है, ये एक दफा प्लस में लिखा हुआ है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए और बी की जगह जो जो टर्म दी हुई है उनको आपने जस्ट लिख देना है, ये ए की जगह ये बी की जगह, ए माइनस बी ए प्लस बी। अब इसके बाद इनको आगे सॉल्व करते हैं। अब माइनस है ठीक है, 6x माइनस 6 ओवर 4 माइनस माइनस है, माइनस के बाद अंदर ब्रैकेट हटाएंगे साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है तो अंदर प्लस हो जाएगा, यहां पे प्लस है तो अंदर साइन में कोई तब्दीली नहीं आएंगे, ब्रैकेट हटा देंगे, ये से ऐसे आ जाएगी, बस ये ब्रैकेट इसलिए लगाई थी क्योंकि बाहर माइनस है ठीक, इसलिए जो ब्रैकेट लगाने के नेक्स्ट स्टेप में एक स्टेप और करना पड़ा ताकि ये ब्रैकेट हटा के हम साइन चेंज कर लें, यहाँ क्योंकि प्लस है तो साइन में किसी किस्म की तब्दीली नहीं आएंगे, इसे इस स्टेप में हमने जस्ट इनकी ब्रैकेट हटा दी है जो अंदर लगी हुई है। अब हम ये देखते हैं 6x और 8x है, इनको इकट्ठा लिख लेते हैं, और जो फ्रैक्शन वाली टर्म है उनको अलग इकट्ठा लिख लेते हैं, 6x प्लस 8x इनको इकट्ठा लिख लेते हैं और जो फ्रैक्शन वाली टर्म है इनको इकट्ठा लिख लेते हैं, क्योंकि ये अलग सॉल्व होगी और x वाली टर्म जो है वो अलग सॉल्व होगी। 6x माइनस 2x तो माइनस 2x हो जाएगा। अब माइनस 6 ओवर 4 प्लस 40 ओवर 4 दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, अगर ये जो मैं प्रोसेस कर रहा हूं ये डिनोमिनेटर सेम होने के लिए जरूरी है, वरना आप एलसीएम लें या डिनोमिनेटर इनके सेम करें, तो डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम इनका 4 आएगा ठीक है, ऊपर आ जाएगा माइनस 6 प्लस 40। अब एलसीएम लेना भी काफी बच्चों को मसला होता है क्लास 8 में भी, बल्कि इससे बड़ी क्लास में भी, तो इस स्टेप को समझने के लिए आपको एलसीएम लेना या डिनोमिनेटर सेम करने वाला जो मेथड है क्लास 7 में पढ़ा है ये जरूर आना चाहिए, वरना यहां से क्वेश्चन आपको समझ नहीं आएगा। 4 है डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर माइनस 6 प्लस 40 लिख लिया, यहाँ पे 6x प्लस 8x 14x हो जाएगा, माइनस 6 माइनस 40 और नीचे डिनोमिनेटर इकट्ठा करके एलसीएम जो है 4 लिख लेंगे। अब माइनस 6 प्लस 40 प्लस माइनस माइनस 40 में से 6 माइनस करेंगे तो प्लस 34 आएगा, साइन बढ़ेगा लगेगा, ये माइनस 2x पहले आ रहा है, 14x पहले आ जाएगा,
माइनस माइनस प्लस, 40 प्लस 6 माइनस 46 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन हमने यहां तक छोड़ दिया था, ठीक है, इससे आगे ये सॉल्व नहीं हो रहा था, लेकिन अब ये देखते हैं कि ये दोबारा आगे मजीद सिंपलीफाई होता है, माइनस 2x ये कटिंग हो जाती है, ये 2 पे कटिंग होगा 17 आएगा, ये 2 पे 2 2 4 2 2 4 7 8 2 34, तो प्लस 72 ओवर 2 17 ओवर 2 आ जाएगा, ये 2 2 4 और 23 2 46 होता है, तो माइनस 23 ओवर 2 आ जाएगा। इन जितना ये क्वेश्चन सिंपलीफाई होता है उतना आपने करते जाना। अब इससे आगे ये क्वेश्चन मजीद जो है हल नहीं होता और ये कटिंग इसकी भी नहीं होती, जिस क्वेश्चन में कटिंग हो रही है वो कटिंग भी आपने करनी है, ठीक है। यहां तक आपका इसका आंसर है माइनस 2x प्लस 17 ओवर 2 इनटू 14x माइनस 23 ओवर 2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो भी सॉल्व हो गया। और ये क्वेश्चन देखने में मुश्किल है, जरूर किसी कुछ बच्चों के लिए मुश्किल होंगे, लेकिन जो इनको सॉल्व करने की टेक्निक है वो फार्मूला है, वो टेक्निक जरूर समझे, जब वो चीज समझ लेंगे फिर आपके लिए इतना बड़ा मसला नहीं है जितना आपको ये लग रहा है अभी, ठीक है। और जैसे मैंने समझाया, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। और आखिर में ये काम करना, आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल जो है उसको सब्सक्राइब का बटन एक नीचे नजर आ रहा है उसको सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, उसका ये फायदा होगा जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाएगा और आप उस वीडियो को देख सकेंगे, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर जो ये है 10 से 11 से 14 ये सॉल्व किए हैं और उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।